हाय गाइस, आज मैं एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कनाडा का। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है और इस इंसिडेंस से हमें ये सीखना चाहिए कि इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। और मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मैं हेलीफैक्स में हूँ राइट नाउ, नोवा स्कॉशिया में। कुछ दिन पहले मेरा कार्ड होल्डर गिर गया, जिसके अंदर मेरे सारे कार्ड्स थे, बैंक कार्ड्स थे, मेरा लाइसेंस था, मेरा पीआर कार्ड था, सब कुछ था। और मेरे को वो चीज़ जब मालूम पड़ी, तब तक किसी आदमी ने मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स कर दी थी एक दो, जो कि मैंने अपने बैंक को बताया तो मेरे वो इंश्योरेंस होता है वो वापस आ गए पैसे, बट मैंने अपने कार्ड ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद 4-5 दिन गुज़र गए। 4-5 दिन गुज़रने के बाद मैंने उन दिनों के दरमियान पुलिस को भी फ़ोन किया, कंप्लेंट रजिस्टर करवाई लोकल लाइब्रेरी में, या कई जगह पे मैंने कोशिश करी कि मेरे को वो मेरे कार्ड्स मिल जाएं। मेरी उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि चलो सारे कार्ड्स ना मिलें तो कम से कम मेरे को एक आध जो मेरा लाइसेंस है वो मिल जाए, या कोई पीआर कार्ड है मेरा वो मिल जाए। और कल मैंने अपना पीआर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिया दोबारा से। मैं लाइसेंस अप्लाई करने वाला था आज, तो आज मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया कि गुरबीर, आपके लाइसेंस और आपके कार्ड्स हमें मिल गए हैं और आप हमसे आके ले लें। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे वो जो मेरा कार्ड होल्डर था वो तो नहीं था, लेकिन जितने मेरे कार्ड थे, 10 कार्ड थे, और 10 के 10 कार्ड पुलिस को वापस मिल गए। अब ये देखिए आपकी ये कितनी हैरानी की बात है कि मेरा बंदे ने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ किया, फिर भी यूज़ करने के बावजूद उस बंदे ने मेरे सारे कार्ड वापस कर दिए। पर किसको किए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस बंदे ने कार्ड यूज़ करने के बाद जब उसको लगा कि अब ये कार्ड ब्लॉक हो चुका है, ये मेरी परसेप्शन है, ये मेरी सोच है कि ऐसे हुआ होगा, जब उसको लगा कि अभी ये क्रेडिट कार्ड यूज़फुल नहीं है, तो उस बंदे ने मेरे सब कार्ड्स के ऊपर एक रबड़ बैंड चढ़ा के स्मार्ट प्ले किया और किसी के घर के बैकयार्ड में मेरे कार्ड्स फेंक दिए। और फिर उस घर की जो मालिक थी उसको मेरे कार्ड्स मिले अपने बैकयार्ड में से, और उसने वो कार्ड्स पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए। और फिर पुलिस का मेरे को फ़ोन आया कि हमारे पास कोई ओल्ड लेडी आई थी, उसको अपने बैकयार्ड में तुम्हारे कार्ड मिले। तो यहाँ से दो चीज़ें सीखने वाली हैं दोस्तों, जो मेरे को लग रहा है। एक तो ये है कि दुनिया में हमें अच्छे इंसान बनना चाहिए और एक अच्छे इंसानियत की मिसाल कायम करनी चाहिए, जिस तरह से उस लेडी ने करी, ओल्ड लेडी ने, और मैं बोलूँगा जिस तरह उस इंसान ने करी जिसके पास मेरे कार्ड थे, क्योंकि उसने भी मेरे कार्ड यूज़ किए और यूज़ करने के बाद किसी गलत जगह नहीं फेंके, किसी डस्टबिन में नहीं फेंके, उसने मेरे कार्ड यूज़ करके किसी के बैकयार्ड में फेंक दिए स्मार्टली, और फेंकने के बाद मेरे को वो मेरे कार्ड आज पुलिस स्टेशन से मिल गए। तो सोच यही है दोस्तों कि हमें एक अच्छे इंसान बनना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया में अच्छे इंसान नहीं है या बाकी वर्ल्ड में अच्छे इंसान नहीं है, बट इन मुल्कों के अंदर जो गोरे लोग हैं, मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, और हमको भी इन कंट्रीज़ में आके लॉयल्टी रखनी चाहिए
इंसानियत ज़िंदा रखनी चाहिए, हमें भी किसी के काम आना चाहिए, हमें भी किसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें भी जो हमारे भाई बहन यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें भी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा इंडिया से यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया में हम बाहर इसलिए आते हैं कि हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे रूल्स मिलेंगे, अच्छा सिस्टम होगा गवर्नमेंट का, तो अगर यहाँ आके हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर देन इट्स ऑफ नो यूज़। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, ताकि इंसानियत ज़िंदा रह सके और हम सब अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहें और दूसरों की मदद करते रहें। होपफुली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के साथ अच्छे वाले और कुछ नई लर्निंग्स के साथ कोई और वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर।